साथियों, आज हम विज्ञान प्रयोगशाला में उपलब्ध सुविधाओं, प्रयोगशाला में कार्य करने के नियम और प्रयोगशाला में प्राथमिक उपचार के बारे में जानेंगे। प्रयोगशाला वह स्थान है जहां विद्यार्थी प्रयोगों के द्वारा मूल कौशलों को सीखता है तथा स्वयं करके देखने का अनुभव प्राप्त होता है। विज्ञान प्रयोगशाला में एक कार्य संचालन मेज होती है, जिसे वर्किंग टेबल भी कहते हैं। इस वर्किंग टेबल पर प्रयोगों को किया जाता है। प्रयोग करते समय वर्किंग टेबल के दोनों ओर विद्यार्थी खड़े रहते हैं। वर्किंग टेबल की आवश्यकता अनुसार शेल्फ लगी रहती हैं और उन शेल्फ में आवश्यक अभिकर्मक रखे रहते हैं। शेल्फ में वे ही अभिकर्मक रखे जाते हैं जिनका विद्यार्थी बार बार प्रयोग करते हैं। दो शेल्फ के मध्य सिंक होता है और उस सिंक में उपकरणों को धोया जाता है तथा तरल अपशिष्ट पदार्थ को बहाया जाता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ को सिंक में नहीं डालना चाहिए। ठोस अपशिष्ट पदार्थ के लिए सिंक के नीचे एक अपशिष्ट ढक्कन रखा रहता है। उस बॉक्स में या उस बक्से में उन ठोस अपशिष्ट पदार्थों को, इसके अतिरिक्त फिल्टर पत्र को या अन्य टूटे हुए कांच के उपकरणों को डाला जाता है। शेल्फ के किनारे की ओर अभिकर्मकों से संबंधित सूची होती है और उस सूची में प्रत्येक अभिकर्मक का नाम लिखा रहता है। वर्किंग टेबल पर ही गर्म करने के लिए स्प्रिट लैंप अथवा बर्नर लगे रहते हैं जिनका संयोजन सिलेंडर से होता है। जब आवश्यकता हो सिलेंडर की नॉब को ऑन करके बर्नर को काम में लिया जा सकता है। विद्युत संयोजन के लिए वर्किंग टेबल पर विद्युत स्विचेज लगे रहते हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। प्रयोगशाला में साइट की दीवारों पर शेल्फ बनी रहती हैं और उन शेल्फ में चौड़े मुंह की बोतल में ठोस केमिकल रखे जाते हैं। जितने भी ठोस रसायन हैं उनको चौड़े मुंह की बोतल में रखा जाता है तथा द्रव रसायनों के लिए अलग से एक शेल्फ होती है। ये द्रव रसायन छोटे मुंह की बोतल में रखे जाते हैं। प्रयोगशाला में अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन रखा रहता है और उस एग्जॉस्ट फैन के जरिए जो निर्गमित गैसें हैं वे बाहर निकाल दी जाती हैं। प्रयोगशाला में कांच के उपकरण उचित स्थान पर रखे रहते हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार लिया जा सकता है। इन शेल्फ में अभिकर्मक और कांच उपकरण निश्चित अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगे रहते हैं और उसकी सूची पास में लगी रहती है। जिस विद्यार्थी को जो रसायन चाहिए वह सूची में देखकर उस बोतल को ले सकता है। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला में एक भौतिक तोला होती है जिससे समय समय पर रसायनों को तोला जा सकता है। प्रयोगशाला में यदि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता हो तो उसे खिड़की के किनारे रखा जाता है ताकि आसानी से देखा जा सके। प्रयोगशाला में आपात स्थिति में सिलेंडर रखा रहता है जो फायर एक्सटिंग्विशर कहलाता है और इससे आपात स्थिति में आग लगने पर आग बुझाई जा सकती है। प्रयोगशाला के पास एक भंडारण कक्ष होता है। इस भंडारण कक्ष में विभिन्न रसायनों को एवं कांच उपकरणों को रखा जाता है। भंडारण कक्ष में दो प्रकार की व्यवस्था की जाती है, अकार्बनिक अभिकर्मकों को एक पास तथा कार्बनिक अभिकर्मकों को एक पास रखा जाता है। इसके उपरांत इनका पुनः वर्गीकरण किया जाता है। अकार्बनिक अभिकर्मक ठोस को एक तरफ और द्रव को एक तरफ रखा जाता है। इसी प्रकार कार्बनिक अभिकर्मकों को भी ठोस और द्रव के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं। इनको पुनः अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अर्थात अल्फाबेटिकल ऑर्डर में
ए से लेके जेड तक जमाया जाता है। वह केमिकल या वह रसायन जिसका नाम ए से शुरू होता है उसको लेकर और अंत में जेड तक जाते हैं। इससे हमें रसायन को निकालने में और कार्य करने में सुविधा रहती है। इसके अतिरिक्त खरल, जिसको मोटर पिस्टल भी कहते हैं, अन्य उपकरण जो भी प्रयोगशाला में काम आ रहे हैं उन्हें सुविधाजनक स्थान पर रख दिया जाता है। साथियों, अब हम प्रयोगशाला में कार्य करने संबंधी कुछ नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह आवश्यक है कि जब हम प्रयोगशाला में, विशेषकर रसायन प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हों, उस समय हमें उसमें कार्य करने संबंधी नियमों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही अध्यापक द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का भी हमें पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम यह आवश्यकता है, जब आप लैब में जाएँ तो आपने एप्रन पहना हुआ होना चाहिए ताकि हमारे वस्त्र किसी भी रसायन से खराब ना हो। जब आप लैब में जाएं तो आपके पास में प्रयोगशाला से संबंधित प्रायोगिक पुस्तिका होनी चाहिए। यह पुस्तिका आपको प्रायोगिक कार्य करने में मदद प्रदान करेगी। इसमें सभी प्रयोगों के बारे में स्पष्टतः लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त आपके पास में प्रयोग करने के लिए एक प्रायोगिक नोटबुक होनी चाहिए। इस प्रायोगिक नोटबुक में आप प्रतिदिन किए गए प्रयोगों का संधारण कर सकते हैं। जब आप लैब में जाएं, तो उससे पूर्व किए गए प्रयोग इस प्रायोगिक पुस्तिका में लिखे हुए होने चाहिए ताकि अपने अध्यापक से उसकी जांच कराकर आपके द्वारा किए गए कार्यों की पुष्टि कर सकें। इसके अतिरिक्त आपके पास प्रयोगशाला में जाने के लिए एक ड्राइंग बॉक्स होना चाहिए, जिसमें पेंसिल, शार्पनर, इसके अतिरिक्त आपके पास प्रयोगशाला में जाते समय एक पेंसिल बॉक्स होना चाहिए, जिसमें एक पेंसिल, एक शार्पनर और एक इरेजर हो, ताकि प्रयोग करने के दौरान परीक्षणों को इनके द्वारा लिखा जा सके। आपके पास प्रयोगशाला में जब जाएं, तो आपको अध्यापक द्वारा बताए गए निश्चित स्थान पर आप खड़े हो जाएं। प्रयोगशाला की वर्किंग टेबल पर शेल्फ में रखे अभिकर्मकों को जब भी आप लें, उन्हें काम में लेने के पश्चात पुनः शेल्फ पर रख दें। प्रयोगशाला में अभिकर्मकों को काम में लेने के लिए अलग अलग नियम हैं। ठोस अभिकर्मक, जिन्हें चौड़े मुंह वाली बोतल में रखा जाता है, उसे काम में लेने के लिए हम स्पैचुला काम में लेते हैं। इस स्पैचुला के अग्रभाग से जितना अभिकर्मक आवश्यक है उसे निकालकर जिस कांच उपकरण में उसे लेना है ले लेते हैं। फिर पुनः इस अभिकर्मक का ढक्कन लगाकर और नियत स्थान पर इस बोतल को रख देते हैं। वहीं यदि हमें द्रव अभिकर्मक काम में लेना हो तो उसे ड्रॉपर की सहायता से लिया जाता है। मान लीजिए मुझे इस परखनली में यह द्रव अभिकर्मक लेना है, तो इस ड्रॉपर की सहायता से जितनी बूंदें आवश्यक हैं इस परखनली में ली जा सकती हैं। इस परख नली में जितनी बूंदें आवश्यक हैं ली जा सकती हैं। पुनः इस अभिकर्मक बोतल का ढक्कन बंद करके इसे नियत स्थान पर रख देते हैं। अभिकर्मक को गर्म करने के लिए आप बर्नर जलाएं। ध्यान रहे कि गर्म करते समय इसकी ज्वाला नीले रंग की होनी चाहिए। जिस परखनली में अभिकर्मक को गर्म करना है उसे परखनली पकड़ की सहायता से
पकड़ लें। गर्म करते समय यह ध्यान रखें कि इस परखनली का मुंह ना तो अपनी ओर हो और ना ही अपने किसी साथी की ओर। इस प्रकार आप देखें यह द्रवल ने उबलना प्रारंभ कर दिया है। तो इस प्रकार जब हम गर्म कर रहे हों तब परखनली का मुंह ना तो अपनी ओर होना चाहिए ना ही अपने किसी साथी की ओर। जब आवश्यकता खत्म हो जाए तो इस बर्नर को बुझा देना चाहिए। प्रयोग करने के उपरांत सभी कांच उपकरण जिन्हें काम में लिया गया है उन्हें धोकर नियत स्थान पर रख दें। जो शेल्फ आपने काम में ली है, जो वर्किंग टेबल आपने काम में ली है, यह पुनः उसी प्रकार व्यवस्थित कर दें जैसा लैब में आने से पूर्व थी। प्रयोग के द्वारा निकाले गए प्रेक्षण और उनसे संबंधित कोई आंकड़े आपको नोट करने हो, तो उसके लिए आपके पास में एक रफ कॉपी होनी चाहिए और उस रफ कॉपी में जो भी उस दिन संबंधित आंकड़े हैं आप पेन द्वारा नोट कर लें। आप द्वारा आज किए गए प्रयोगों के संबंधित प्रेक्षण और आंकड़े अपनी रफ कॉपी में नोट कर लें और फिर उन्हें अपनी प्रायोगिक पुस्तिका में लिख लें। साथियों, अब हम प्रयोगशाला में प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे। यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रयोगशाला में एक फर्स्ट एड बॉक्स अर्थात प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होना चाहिए। यद्यपि हम सभी प्रयोगों को बहुत सावधानी पूर्वक और अध्यापक के दिशा निर्देशों के अंतर्गत करते हैं, तथापि संयोगवश किसी भूल से, ध्यान हटने से या किसी सावधानी को ना रखने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उस दुर्घटना के तुरंत उपचार के लिए प्रत्येक प्रयोगशाला में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होना आवश्यक है। इस चिकित्सा बॉक्स में आवश्यक है रुई का बंडल हो, कुछ बैंडेज अर्थात पट्टियां हो, एक एंटीसेप्टिक क्रीम हो, जलने के से उपचार के लिए एक अग्निदाह से बचने के लिए एक बर्नौल हो, कुछ पट्टियां हो और साथ में डिटॉल हो। फर्स्ट एड बॉक्स में यह सभी सामग्री आवश्यक हैं। अब हम वे बातें जानेंगे जिनमें फर्स्ट एड बॉक्स की आवश्यकता हो सकती है। यह फर्स्ट एड बॉक्स किसी भी प्रकार के जलने के उपरांत काम में लिया जा सकता है। विद्यार्थी काम करते समय किसी गर्म जल से, भाप से, अम्ल से अथवा क्षार से उसकी त्वचा जल सकती है। यदि विद्यार्थी की त्वचा भाप से अथवा गर्म जल से जल जाए तो तुरंत उसे नल की तेज धार में सिंक में रखकर तेज पानी डालना चाहिए जब तक कि वह जलन कम ना हो जाए और उसे ठंडक मिले। उसके उपरांत साफ कपड़े से उसे पोंछकर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देनी चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी की त्वचा अम्ल से जल जाती है तो पहले उसे नल की तेज धार से धोएं, फिर अम्ल की जलन समाप्त होने के उपरांत उसमें खाने का सोडा का अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर लगा दें। कुछ समय पश्चात उसे पुनः पानी से धोकर साफ कपड़े से साफ कर लें और आवश्यकता होने पर निकट के चिकित्सालय में ले जाएं। इसी प्रकार यदि किसी विद्यार्थी की त्वचा क्षार के द्वारा जल जाती है तो उसे भी पहले नल की तेज धार से पानी से धोएं जब तक कि जलन समाप्त ना हो जाए, फिर सिरका यानी कि एसिटिक एसिड के तनु विलयन से उसको धोएं। कुछ समय पश्चात उसे नल की पुनः तेज धार से धोकर
साफ कपड़े से पोंछ लें और आवश्यकता हो तो निकट के चिकित्सालय में ले जाएं। तो ये तो हुई जलने से संबंधित प्राथमिक उपचार की बात। अब बात करते हैं कि यदि कांच को उपकरण को काम में लेते समय भूलवश वह टूट जाता है और कहीं हाथ में लग जाता है, जिससे एक निशान कट का बन जाए और साथ में खून निकलने लगे, तो उसके लिए पहले चिमटी की सहायता से बड़े बड़े टुकड़ों को बाहर निकाल लें। जब कांच के बड़े टुकड़े निकल जाएं, तो हाथ को या वह स्थान जहां वह कांच लगा है उसको नल की तेज धार से धोएं, ताकि उस घाव में उपस्थित कांच के छोटे छोटे कण भी निकल जाएं। जब वह छोटे छोटे कण निकल जाएं, उसके उपरांत रुई में डिटॉल लेकर उस स्थान को दबाएं, ताकि रक्त के प्रवाह को रोका जा सके। उसके उपरांत उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगावें और एक पट्टी बांधें जो फर्स्ट एड बॉक्स में उपलब्ध है। फिर आवश्यकता के अनुसार उसे निकट के चिकित्सालय में ले जाया जा सकता है। यदि किसी विद्यार्थी ने गैस का अंतः शोषण कर लिया है और वे गैस जो हानिकारक हैं, यद्यपि प्रयोगशाला में एग्जॉस्ट फैन हमेशा होना चाहिए, फिर भी यदि किसी विद्यार्थी ने गैस का अंतः शोषण कर लिया है तो उसे खुली हवा में ले जाएं, ताकि वह सांस आसानी से ले सके। एक और नियम मैं आपको सिखाना चाहूँगा। यदि किसी अभिकर्मक को हमें गंध गैस की गंध का पता लगाना है तो उसे हमें सीधे नहीं सूंघना चाहिए, बल्कि उसकी भाप को हाथ से पंखा झलते हुए अपनी तरफ लाना चाहिए। कभी भी परख नली से निकलने वाली गैस को सीधे ना सूंघें, बल्कि हाथ से झपक कर अपनी तरफ लाएं। यदि संयोगवश आँख में कोई अभिकर्मक चला जाता है तो आँख को तुरंत ठंडे पानी से धोएं। ये ध्यान रहे आँख को मसलना नहीं है, और ठंडे पानी से आँख को धोने के उपरांत शीघ्र ही प्राथमिक चिकित्सालय ले जाएं और चिकित्सक से उसका उपचार कराएं। यदि दुर्घटनावश किसी विद्यार्थी के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे फर्श पर लिटा दें और उसे गोल गोल लुढ़काते हुए आगे ले जाएं, ताकि आग को बुझाया जा सके। यदि किसी रसायन को गर्म करते समय कांच उपकरण में आग लग जाती है तो तुरंत गैस को बंद कर दें, बर्नर बुझ जाएगा। उसके उपरांत ठंडे पानी का गीला कपड़ा उस रसायन पर रखें और उसको बाहर की ओर ले जाएं, जिससे कि आग को फैलने से बचाया जा सके। यदि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लग जाती है तो तुरंत जाकर मेन स्विच ऑफ कर दें और उस आग को रेत भरी बाल्टियों से रेत डालकर बुझाएं, ना कि जल से। पानी की तेज धार से धोने के उपरांत उसे पुनः साफ कपड़े से पोंछ लें, फिर उस पर बर्नौल लगा दें और यदि आवश्यकता हो तो उसे निकट के चिकित्सालय में ले जाएं। फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेड स्ट्रिप्स होती हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जा सकता है। पानी की तेज धार से धोने के उपरांत उसमें खाने का सोडा का गाढ़ा विलयन लगाएं, तत्पश्चात उसे पुनः जल की तेज धार से धो लें। जल की तेज धार से धोने के उपरांत उसमें खाने का सोडा का गाढ़ा पेस्ट लगाएं, तत्पश्चात उसे पानी से पुनः धो लें।